नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। पूर्व यूथ विश्व चैंपियन अल्फिया पठान ने सोमवार को कजाकिस्तान में आयोजित इलोरडा कप मुक्केबाजी में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर की इस प्रतिभावान अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज ने 81 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में 2016 के विश्व चैंपियन और खिताब की मजबूत दावेदार लइज्जत कुंगीबाएवा के खिलाफ 5-0 से आकर्षक जीत दर्ज कर अपने नाम पर स्वर्ण पदक दर्ज कर लिया। उल्लेखनीय है कि अल्फिया ने पहली बार सीनियर वर्ग में भाग आजमाया। अल्फिया कजाकिस्तान की पूर्व एशियाई चैंपियन के खिलाफ पूरी तरह हावी रही। पूरे समय तक नागपुर की इस होनहार मुक्केबाज का वर्चस्व रहा। भारत की इस युवा मुक्केबाज के खिलाफ कजाकी मुक्केबाज पूरे समय तक जूझती रही। स्वर्णिम प्रदर्शन करने पर अल्फिया को पुरस्कार के रूप में स्वर्ण पदक के अलावा 700 अमरीकी डॉलर की राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रदेश सचिव सैयद मुमताज, जावेद पठान, आर्शिया पठान, रियाज शेख, अक्रम पठान, मजीद खान, जावेद अली, असलम पठान उपस्थित थे। बिजली के तार में अकोड़े डालकर सीधे बिजली चोरी करने वाले अकोड़े बाज कड़ी कार्रवाई के बाद भी बाज नहीं आ रहे। लगातार बिजली चोरी हो रही है। कुछ मीटरों से छेड़छाड़ कर चोरी कर महावितरण को चुना लगा रहे हैं। बीते वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में मार्च महीने तक 3044 अकोड़े बाजों के खिलाफ कार्रवाई कर 3,10,00,000 रुपयों की चोरी धरी गई थी। इनमें से 34 के खिलाफ तो पुलिस थाना में FIR करवाई गई। इसमें नागपुर शहर मंडल में 1567 और ग्रामीण मंडल में 1269 बिजली चोरी मामलों का समावेश है। वहीं इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल से जुलाई तक 4 महीनों में ही कुल 1423 बिजली चोर धरे गए हैं, जिसमें 925 तो सीधे तारों में आंकड़े डालकर चोरी करते हैं, जिसकी रकम 1.5 करोड़ थी। इनमें से 7 के खिलाफ FIR करवाई गई। वहीं इन 4 महीनों में मीटर से छेड़छाड़ कर 498 लोगों को 85 लाख रुपए की बिजली चोरी के मामले में पकड़ा गया। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कानून में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद आंकड़ेबाज सुधार नहीं रहे। बीते महीने जुलाई में महावितरण ने बकायेदारों और बिजली चोरों के खिलाफ विशेष जांच अभियान छेड़ा था। विश्व भर में बसे भारतवंशी भारत आना चाहते हैं। हमें उनके कौशल का लाभ लेते हुए पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। पर्यटन को व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ये विचार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के प्रोफेसर अनिल कुमार राय ने व्यक्त किए। ये विश्वविद्यालय में भारतीय डायस्पोरा का वैश्विक परिप्रेक्ष्य, जीवन दर्शन एवं संस्कृति विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में पर्यटन एवं डायस्पोरा विषय पर आयोजित सत्र में अध्यक्षीय वक्तव्य दे रहे थे। 2 अगस्त को आयोजित सत्र में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के डायस्पोरा अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर अतनु चौधरी चरण सिंह, मेरठ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नवीन चंद्र लुहानी, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर अतनु ने कहा कि भारतीय लोगों का प्रवासन सांस्कृतिक, धार्मिक और श्रमिक इन तीनों चरणों में हुआ है। डायस्पोरा और पर्यटन सहजीवी है। उन्होंने कहा कि टीवी सीरियल और फिल्मों में विरासतों को प्रदर्शित कर प्रवासी भारतीय लोगों को आकर्षित किया जाना चाहिए। इससे पर्यटन का विस्तार होगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सकेगी। प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय विदेशों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। इससे भौगोलिक विस्तार के साथ साथ सांस्कृतिक विस्तार भी हो रहा है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में भारतीय डायस्पोरा का वैश्विक परिप्रेक्ष्य, जीवन और संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में धर्म जीवन पद्धति पर मंगलवार 2 अगस्त को गालिब सभागार में आयोजित सत्र में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी ने कहा कि धर्म विश्व का आधार है। धर्म के 3 तत्व है, कर्म सिद्धांत में विश्वास, पुनर्जीवन में विश्वास और अंतर्निहित एकता। उन्होंने कहा कि भारतीय चिंतन में डायस्पोरा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। भारतीय धर्म और जीवन पद्धति पर भारत के वर्तमान और भविष्य का संबंध है। उन्होंने धर्म के संबंध में विनोदा भावे, महात्मा गांधी और विवेकानंद के विचारों की चर्चा की। उन्होंने धर्म को मजहब से अलगाववादी बताते हुए कहा कि बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। उनका कहना था कि भारतीय संदर्भ में धर्म शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमौली ट्रस्ट वाराणसी के संस्थापक डॉक्टर लूसी गेस ने कहा कि जो प्रकाश युक्त है वही भारत है। प्रकाश ही विद्या एवं आत्मविद्या है। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व के कल्याण के लिए है और ये डायस्पोरा इसका एक जरिया माना जा सकता है। उन्होंने बताया कि विश्व के कल्याण और विश्व शांति के लिए मन की शांति आवश्यक है।
भारत का विचार वैश्विक है क्योंकि भारत सभी विश्व के कल्याण की कामना करता है। भारत दुनिया में केवल राजनीतिक ही हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संचार भी स्थापित कर रहा है। उक्त विचार भारतीय जनसंचार संस्था नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने व्यक्त किए। भारतीय डायस्पोरा का वैश्विक परिप्रेक्ष्य जीवन एवं संस्कृति विषय पर त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत आयोजित जनसंचार पर आधारित तृतीय अकादमिक सत्र के अध्यक्ष के रूप में वो बोल रहे थे। सत्र में वक्ता के रूप में राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी प्रत्यक्ष रूप से तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई के अध्यक्ष एवं मीडिया निदेशक उमेश उपाध्याय आभासी माध्यम से उपस्थित थे। प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि भारतीय भाषाओं में जो संचार हो रहा है वो वैश्विक संचार है। भाषाओं से ही हमारा वैश्विक जुड़ाव हो रहा है जिससे सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार आ रहे हैं। भारतीय डायस्पोरा में महात्मा गांधी के साथ स्वामी विवेकानंद आचार्य रजनीश आदि संचारकों ने दुनिया में अपने पद चिन्ह स्थापित किए, इसलिए दुनिया में आध्यात्मिक विचार स्थापित और विस्तारित हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने दुनिया में भारत की अच्छी छवि बनाने का काम किया है। खामला सिंधी कॉलोनी स्थित खामला वाली माता मंदिर में गोगा पर्व के पावन उपलक्ष्य में सिंध माता मंडल के महासचिव पूर्व पार्षद प्रकाश तोतवानी के संयोजन में महाआरती हुई। सिंध माता मंडल के सदस्यों स्थानीय रहवासियों ने माता रानी से सर्वत्र सुख शांति मानव कल्याण की सामूहिक अरदास की। महिला मंडल ने मंगल गीतों से माता रानी का यशगान किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष नारायण भोजवानी, न्यू पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष परमानंद शभुवानी, अनिल वाग, सुदीप्तो सरकार, मामा खत्री, नरेंद्र गायकवाड़, ओम प्रकाश वरदानी, संतोष खत्री, राजन रामचंदानी, नंदलाल चेतवानी, दिलीप चेनानी, बाबला कर्मचंदानी, रवि नासिकवार, राजेश पंजवानी सहित अन्य सदस्यों की मौजूदगी रही। गोगा पर्व पर अनादिकाल से समाज में ठंडा भोजन खाने की परंपरा है। भक्तों में ठंडा महाप्रसाद वितरित किया गया। मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। 18वां वार्षिक इको नागपुर 2022 6 और 7 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इको नागपुर का आयोजन नागपुर इको समिट एंड कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया विदर्भ चैप्टर द्वारा पिछले 18 वर्षों से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर शांतनु सेन गुप्ता और डॉक्टर महेश फुलवानी है। डॉक्टर अनिल आर जवाहिरानी अध्यक्ष है और काशिफ सैयद है। CSI के विदर्भ अध्याय के सचिव आयोजन स्थल होटल सेंटर पॉइंट रामदासपेट नागपुर है। इको नागपुर 2022 लाइव वर्कशॉप के साथ एक अनूठा इको क्लिनिकल सम्मेलन है जिसका उद्देश्य केस आधारित चर्चा पर ध्यान केंद्रित करना है। AEM इवेंट्स का कार्यालय पर इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। 6 अगस्त का वैज्ञानिक कार्यक्रम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नागपुर में एक कार्यशाला के साथ शुरू होगा और 6-7 अगस्त 2022 को दोपहर बाद होटल सेंटर पॉइंट नागपुर में होगा। महेश फुलवानी कार्यशाला के प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे। लाइव केस प्रदर्शन का प्रदर्शन डॉक्टर शांतनु सेन गुप्ता, विजिटिंग फैकल्टी डॉक्टर के चंद्रशेखरन, डॉक्टर JC मोहन और स्थानीय विशेषज्ञ डॉक्टर महेश फुलवानी, डॉक्टर PP देशमुख, डॉक्टर सुनील वाशिमकर, डॉक्टर सतीश गोविंद, डॉक्टर देविका चैटर्जी करेंगे। दूसरे सत्र में डायस्टोलॉजी के साथ बूट और BPL अल्ट्रासाउंड मशीन पर चर्चा होगी कि कैसे आकलन किया जाए, इस विषय पर भी प्रकाश डाला जाएगा। नागपुर जीतो एवं जीतो लेडीज विंग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्था की 35 वर्ष से अधिक सदस्य एवं समाज के अन्य महिलाओं के लिए रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सहयोग से कौशल्या नामक महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से मोबाइल का रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग, इस 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मोहिनी कॉम्प्लेक्स स्थित रायसोनी कॉलेज के प्रांगण में किया गया। सिद्धार्थ रोनवाल एवं कैलाश गोरेछा द्वारा संकल्पित इस कार्यशाला का उद्घाटन मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर जीतो नागपुर के सचिव सुधीर सुराना, उपाध्यक्ष राज्य सुराना, सहसचिव राजन लड्ढा, महिला अध्यक्ष अर्चना जावेरी, संयोजक मनीष छलानी, महिला सचिव सीमा कोठारी, सपना पगरिया, सुनीता सुराना, प्राध्यापक मनीष शाह, प्राध्यापक आरती देशमुख की उपस्थिति में 2 अगस्त को किया गया। इस 5 दिवसीय अनुपम कार्यशाला मोबाइल से कैसे अपना पैसों का नियोजन करें, बैंक खाता संचालन, यातायात सुलभता, टिकट बुकिंग, शॉपिंग, गूगल कैलेंडर, डिजी लॉकर सहित अनेकों ऐप तथा सोशल मीडिया क्यों आवश्यक, सोशल मीडिया से क्या करें क्या ना करें जैसे अनेकों अमूल्य जानकारी सरल एवं सजगता से बताई गई। कौशल्या नामक इस कार्यशाला में 80 महिलाओं ने अपना नामकरण कर संस्था के उद्देश्य पूर्ति में अपना सक्रिय योगदान दिया। प्रभा गार्ड की ओर से राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज परिसर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर 10वीं और 12वीं के 300 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का सत्कार किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन व दीप प्रज्वलन पूर्व विधायक मिलिंद माने ने किया। प्रस्तावना पूर्व नगर सेवक संजय चावरे ने किया। नगर सेवक प्रवीण भीसीकर ने समयोचित विचार व्यक्त किए। मंच पर पूर्व नगर सेविका अभिरुचि राजगिरे, भाजपा नागपुर महानगर मंत्री व प्रभाग 8 के संयोजक राजेंद्र मिश्रा, राजेश ठाकुर, मंडल मंत्री नीलेश बोरकर, अल्पसंख्यक आघाड़ी के शहर महामंत्री इरशाद हुसैन, सहसंयोजक विनोद शाहू, रेखा अर्जितवार, अस्तित्व फाउंडेशन के संस्थापक प्रकाश हेड़ाव उपस्थित थे। कार्यक्रम में भोला शाहू, कृष्णानंद उपाध्याय, पप्पू खान, श्याम पोकले, राहुल तेलखेड़े, स्वप्निल येरपुड़े, रविन्द्र भंडारे, नरेश बिरेवार, अनिल राजगिरे, रजनी सिंह मोरे, राजेश वाघाड़े तथा प्रमुख मंडल पदाधिकारी व कार्यकर्ता, भाजपा परिवार के प्रभाग प्रमुख, सभी वरिष्ठ बूथ नेता उपस्थित थे। मंच संचालन अचीवर्स कॉलेज के संचालक कावले तथा कावले ने आभार माना। नागपंचमी मेला उत्सव कमेटी एवं पुलिस शांतता समिति गणेशपेट द्वारा दोसर वैश्य चौक बजेरिया में नागपंचमी मेले का आयोजन किया गया। मेले में झूले की दुकान, खिलौने की दुकान, चाय नाश्ता अथवा विभिन्न प्रकार की दुकानें लगने से मेले में उत्साह का माहौल था। साथ ही बच्चे एवं परिजन मेले का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। मेले में नागपुर ग्रामीण तथा विदर्भ से छोटे व्यापारी व्यापार करने के लिए आते हैं। नागपुर शहर के बजेरिया क्षेत्र में पिछले 100 वर्षों से मेले की परंपरा चलते आ रही है। हालांकि कोरोना काल में मेला नहीं लग सका। इस अवसर पर हरीश कुंडले, मुख्य आयोजक ममता वाजपेयी, शंकर राव जयपुरकर, शिवपाल वर्मा, अजय शाहू, कृष्ण प्रजापति, पत्रकार राजेश बागड़े, पत्रकार सौरभ कहार, खुशाल चंद नायक, दिलीप भूरे, आशीष नायक, इन सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। लायंस क्लब 2022 और 23 के लिए स्थापित एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन साईकृपा बैंकवेट हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रिपल राणे ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद CEO योगेश कुंभेजकर, संस्थापक अधिकारी राजे मुधोजी भोसले, इंडक्शन ऑफिसर अनिल मेहता और अतिथि के रूप में दिनकर मस्की उपस्थित थे। लायंस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में नागपुर की श्रीमती अर्चना देवतले, सचिव शरद तेठे, कोषाध्यक्ष खुशाल चिलबुले को पद की शपथ डॉक्टर रिपल राणे ने दिलवाई। क्लब के सचिव संजीव झा ने पिछले वर्ष आयोजित विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और कृषि गतिविधियों पर मार्गदर्शन किया। दीपक मडावी, पूनम देवरे, सत्यजीत देवरे, योगेश राउत, राजरतन वानखेड़े, जगदीश मेश्राम ने नए सदस्यों के रूप में शपथ ली। कार्यक्रम में विशेष अतिथि रोहिणी कुंभार, संदीप खंडेलवाल, विजय पालीवाल, नवीन पटेल उपस्थित थे। सफलतार्थ प्रवीण देवतले, विनोद हजारे, पूनम देवरे, सतीश आष्टीकर, टेकचंद इंगोले, विजय देवतले, जगदीश डावरे, डॉक्टर कमल चंबरानी, रविन्द्र बंसोड, प्रीति कलंबे, समोर शेंडे, अपेक्षा शेंडे, धनश्री चिलपुले, मनोज ठाकुर ने अथक परिश्रम किया। चार्टर अध्यक्ष विधि झा ने संचालन किया। लायंस क्लब पूरे डिस्ट्रिक्ट में सोशल एंटरप्राइजिंग, वुमन एम्पावरमेंट एंड अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट एजुकेशन का ट्रेंड एम्बेसडर बना हुआ है। इन दिनों बरसात का मौसम है। गुरुवार को मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई स्थानों पर जलजमाव की स्थिति देखी गई। महल परिसर में बरसात एवं जलजमाव का मजा लेते हुए कई बच्चे तथा वयस्क नागरिक गण नजर आए। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले कुछ दिनों तक मध्यम स्तर से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। सेवा ही भारतीयों का मूल तत्व है। भारतीय डायस्पोरा का मन दान व सेवा भाव से भरा हुआ है। उक्त विचार गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान झुंसी प्रयागराज के निदेशक प्रोफेसर बद्री नारायण ने व्यक्त किए। वे महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय में भारतीय डायस्पोरा का वैश्विक परिप्रेक्ष्य, जीवन एवं संस्कृति विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत समाज कार्य और डायस्पोरा विषय सत्र के अध्यक्ष के रूप में बोल रहे थे। इस सत्र में वक्ता के रूप में बिहार विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय पासवान, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्वदेश सिंह, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ सोशल साइंस के डॉक्टर पुलकेशी जानी उपस्थित थे। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर बद्री नारायण ने कहानियों के माध्यम से भारतीय प्रवासी लोगों की आत्मकथा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि सेवा भारतीयों का मूल तत्व है।
अपनों को छोड़ने के दर्द को कम करने के लिए विवाह समाज का कार्य करते हैं। डॉक्टर पुलकेशी जानी ने रोजर दलाल की पुस्तक की पंक्तियों का उल्लेख कर समाज कार्य और डायस्पोरा के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे को विस्तार से रखा। डॉक्टर स्वदेश सिंह ने कहा कि आज भारतीय लोग भारत से दूर रहकर भी भारत और भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं मजबूत बना रहे हैं। वर्तमान में विदेश में रह रहे ऐसे कई भारतीय हैं जो उन देशों के उच्च पदों पर आसीन हैं। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में महाराष्ट्र के तमाम सांसदों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में महाराष्ट्र के प्रत्येक सांसद के निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति एवं प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में डॉक्टर भागवत कराड़, औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील समेत अन्य सांसद उपस्थित थे। भारी बारिश के कारण कोराडी में खासा ऐश बांध फट गया था, जिससे मसाला टोली गांव के लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा। अनुमंडल दंडाधिकारी मोदा के आदेशानुसार गुरुवार को महानिर्मित द्वारा उन प्रभावित नागरिकों को मुआवजे का चेक दिया गया। इसमें मुख्य रूप से मोहम्मद गुलजार अहमद को 80,000 रुपए, संतोष समुद्रे को 15,000 रुपए, मोहम्मद शाबिद खान को 60,000 रुपए, मुन्ना नादव सादिक नादव को 15,000 रुपए, इंदिरा भोयर को 20,000 रुपए, रिहाना बेगम ताहिर को 5,000 रुपए, सुजाता सोनटक्के को 15,000 रुपए, अभिजीत पाटिल को 15,000, संतोष पराते को 5,000, ताम सिंह मड़ावी को 15,000, मुरलीधर ठौकर को 22,000, प्रहलाद बड़गुजर को 15,000 रुपए के चेक मुआवजे के तौर पर दिए गए। कुल मिलाकर 2,97,000 रुपए के चेक जारी किए गए। गुरुवार को कोराडी में विधायक चंद्रशेखर बावनकुले की विशेष उपस्थिति में एवं सरपंच बंडू कापसे, रवि पारधी, ग्राम पंचायत सदस्य खासा मसाला खैरी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं महानिर्मिति के अधिकारी अशोक भागवत, अधीक्षण अभियंता प्रवीण मड़ावी की मौजूदगी में कार्यपालक अभियंता के हाथों पीड़ितों को चेक जारी किए गए। साथ ही मसाला खसाला खैरी क्षेत्र के कुल 26 किसानों को कृषि भूमि और फसल क्षति के संबंध में 4,72,000 रुपए के चेक वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही उपमंडल मजिस्ट्रेट मौदा द्वारा आदेशित अन्य कार्य को शुरू में कोराडी पावर स्टेशन की ओर से प्रगति पथ पर बताया गया है। नागपुर जिले में गुरुवार को 186 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 2 मरीजों की मौत हो गई। अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 5,85,000 तक पहुंच गई है। 2 मौतें दर्ज होने के बाद कुल मौतों की संख्या 10,350 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 267 व्यक्ति कोरोना को मात देकर ठीक होकर वापस घर आए। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5,74,000 तक पहुंच गई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,339 तक पहुँच गई है। गुरुवार को मिले मरीजों में से नागपुर के ग्रामीण अंचल में से 76 नए मामले दर्ज किए गए। 108 मरीज नागपुर शहर से सामने आए हैं। नागपुर जिले का रिकवरी रेट 97.98% दर्ज किया गया है। रामटेक लोकसभा क्षेत्र सांसद कृपाल तुमाने ने छावनी बोर्ड के चुनाव अकारण लंबे और अनिश्चितकालीन स्थगन पर प्रश्न उठाते हुए रक्षा मंत्री से कहा कि देश के 62 छावनी बोर्ड भंग है और सभी 62 छावनी परिषद के चुनाव जल्द से जल्द करवाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्र न केवल राजनीतिक नागरिक अधिकारों से वंचित है, बल्कि जनता की समस्याओं के लोकतांत्रिक एवं वैधानिक माध्यमों से समाधान की समूची संविधान पद्धत प्रक्रिया ही बाधित है। इससे नागरिकों में असंतोष बना हुआ है। कामठी कैंटोनमेंट नागरिक मंडल के अध्यक्ष प्रेमेंद्र वाही, सचिव मोंटू भूटानी, मार्गदर्शक जयप्रकाश तिवारी के अनुसार उपरोक्त प्रश्न पर रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग ने अपने जवाब में कहा है कि छावनी परिषदों के चुनाव सरकार छावनी अधिनियम 2006 के प्रस्तावित संशोधन के बाद हो सकते हैं। ज्ञात हो कि कैंटोनमेंट एक्ट 2020 इस लोकसभा सत्र में पारित करने हेतु एजेंडा में विषय क्रमांक 10 में शामिल है, जिसमें उपाध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव, सिविल एरिया समिति का सशक्तिकरण जैसे आदि विषयों का समावेश है। यदि कैंटोनमेंट एक्ट 2020 लोकसभा में पारित हो जाता है तो भविष्य में देश की सभी छावनी परिषद में जल्द चुनाव हो सकते हैं। श्री राधा कृष्ण मंदिर वर्धमान नगर में आयोजित सावन झूला उत्सव के देवगुरु बृहस्पति का सुंदर आकर्षक झूला की झांकी प्रस्तुत की गई। फूलवंती देवी अग्रवाल परिवार द्वारा प्रातः भगवान का दुग्धाभिषेक किया गया एवं वेद प्रकाश सोनी, कैलाश चंद्र अग्रवाल, मनोज लटूरिया, वासुदेव अग्रवाल द्वारा पूजन आरती की गई। हिंडोला सजावट रेखा जोशी, हनी शर्मा, उत्कर्ष लोखंडे, पुष्प पुनियानी द्वारा सजाया गया। शिवजी के सेज सुनीता अग्रवाल, सरिता करवा, संगीता व्यास, लक्ष्मी जयपुरिया ने सजाई। मंदिर परिसर को उमा केसान, शोभा मनियार, उषा सारडा, रोशनी जुनेजा, मोनू अग्रवाल, रेणुका मदान, गीता धूत, डॉली पोपली, सुधा काकानी, मधु राठौड़ ने फूलों से एवं रंगोली से सजाया। व्यवस्था मधु सारडा, सुधीर गेड़िया, ऋषि खुंगर देख रहे हैं।
संयोजक मुरलीलाल अग्रवाल एवं सह संयोजक हरीश राठी ने सभी भक्तों को दर्शन लाभ देने का निवेदन किया है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल से चलने गुजरने वाली निम्न जोड़ी गाड़ियों में अतिरिक्त कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। गाड़ी संख्या 22647 कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। ये सुविधा कोरबा से 6, 10 तथा 13 अगस्त 2022 को उपलब्ध रहेगी। गाड़ी संख्या 18239 एवं 18240 शिवनाथा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। ये सुविधा कोरबा से गाड़ी संख्या 18239 में 5 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक तथा इतवारी से गाड़ी नंबर 18240 में 6 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी। गाड़ी संख्या 12856 12855 इतवारी बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। ये सुविधा इतवारी से गाड़ी नंबर 12856 व बिलासपुर से गाड़ी नंबर 12855 में 6 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 20843 तथा 20844 बिलासपुर भगत की कोटी बिलासपुर में एक अतिरिक्त एसी कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।